नमस्कार, आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने वाला, और फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो tn गिवन है हमारे पास 1, अगर n 1 है, और t ऑफ n माइनस 1 प्लस m अगर t ग्रेटर देन 1। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं रिकरेंस रिलेशन वाला प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लिख लेंगे tn बराबर t ऑफ n माइनस 1 प्लस n, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब वापस ये n के लिए ये चीज लिखा हुआ है, जहां पे हम देख पा रहे होंगे कि अगर यहां पे n है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है और साथ में n आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम सेम काम n माइनस 1 के लिए भी कर सकते हैं? तो अगर n माइनस 1 के लिए लिखे अगर, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये जो tn माइनस 1 है इसको डिफरेंट वे में लिखना चाह रहे हैं, अगेन इसी का यूज करके। कैसे लिख सकते हैं, अगर tn में राइट हैंड साइड में एक कम प्लस सेम चीज आता है, तो tn माइनस 1 में क्या आएगा, tn माइनस 1 उससे एक कम प्लस सेम चीज, दैट मींस n माइनस 1। ये n तो एज इट इज ऊपर से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर n के लिए लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में पैरामीटर में एक कम आता है प्लस सेम चीज आता है, तो अगर n माइनस 1 के लिए लिखे तो पैरामीटर में एक कम आया, n माइनस 1 से एक कम, तो n माइनस 1 माइनस 1 और साथ में n माइनस 1। ठीक है, और ये n तो ऊपर से कॉपी हो गया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, हो जाएगा t ऑफ n माइनस 2। ठीक है, प्लस 2n माइनस 1। क्लियर है, अब या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उससे बेटर दिखेगा हमें, n माइनस 1 प्लस। फिर से इसी पे अप्लाई करते हैं, इस बार n माइनस 2 पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो n माइनस 2 पे फिर से यही चीज अप्लाई करें तो क्या होगा, हो क्या रहा है इस प्रॉब्लम में, n माइनस 2 से एक कम प्लस n माइनस 2, ये n से एक कम किया और सेम चीज। ठीक है, और बाकी ये n माइनस 1 और n तो कॉपी डाउन हो रहा है। क्लियर है, एक्सपैंड होते जा रहे हैं यहां से। अब फिर से एक बार लगा ले, वैसे तो अब दिख रहा होगा लेकिन फिर भी पहले इसको लिख लेते हैं ठीक से, t ऑफ n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n। तो यहां पे n माइनस 2 था, सबसे पहले n माइनस 1 के लिए देखते, n माइनस 1 था तो n तक आ रहा था, n माइनस 2 है फिर भी n तक स्टॉप हो रहा है, एक आप बोल सकते हैं बढ़ते जा रहे हैं, 2 n माइनस 2 उससे एक ज्यादा, इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है n से, फिर वो बढ़ते बढ़ते n तक जा रहा है, तो एक बार लास्टली, हालांकि k के लिए लिखेंगे लेकिन एक बार फिर से हम लिख लेते हैं इसको, फिर से क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल है, n माइनस 3 से एक कम, और इस बार हम डायरेक्टली n माइनस 4 लिख रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करके, प्लस सेम चीज नीचे उतर जाएगा, दैट मींस n माइनस 3। ठीक है, और ये ऊपर से आ रहा है n माइनस 2 n माइनस 1 और n। तो ऐसे करते करते कोई हम kth टर्म अगर लिखना चाहे तो क्या लिख पाएंगे,
टी एन बराबर एन माइनस के, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर और फिर एन माइनस के। साथ में क्या आएगा, यहां देखो फोर सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, फोर फोर से एक कम दैट इज थ्री, थ्री से एक कम दैट इज टू, सो ऑन अप टू एन। तो k है तो k से एक कम, तो k से एक कम क्या होगा, n माइनस k माइनस वन, ठीक है। फिर आगे क्या है, उससे एक और कम क्योंकि 4 से दो कम है ना, n माइनस k माइनस टू, ठीक है। ये जाते जाएगा कहां तक जाएगा, लास्टली n तक जाएगा क्योंकि हर केस में आप देख रहे थे n तक ही जा रहा था, ठीक है। आप कुछ और टर्म्स इसके पीछे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, n माइनस वन ऐसे करते करते, नहीं ठीक है। ये जनरल टर्म हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है आगे, अब देखो एक इसका टर्मिनेटिंग कंडीशन गिवन होता है जिससे के को हटाया जा सके, क्योंकि के तो हमने यहाँ पे लिया है। वो टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है, बोल रहा है कि टी एन का वैल्यू वन हो जाए अगर अंदर में मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर वन हो तो आउटपुट वन हो जाता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वन कैसे ला सकते हैं, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो अगर इसको वन बनाना है दैट मीन्स एन माइनस के को वन होना पड़ेगा, दैट मीन्स के पर्सपेक्टिव में देखिए क्योंकि हर जगह के को रिप्लेस करना है हमें, तो के हो जाएगा एन माइनस वन। तो जहां जहां के दिख रहा है वहां वहां एन माइनस वन रख दो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर ही है, राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, टी एन माइनस के को वन रखना है तो ये तो एज इट इज वन ही हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, एन माइनस के जगह एन माइनस वन रखोगे, एक माइनस वन पहले से ही है तो एन माइनस टू, अगेन यहां भी के जगह एन माइनस वन रखोगे, एक माइनस टू पहले से ही है, एन माइनस थ्री, ठीक है, सो ऑन। लास्ट वाले टर्म्स को तो टेंशन ही नहीं है, के का इसमें कोई प्रेजेंस नहीं है। अच्छा अब कुछ दिक्कत नहीं है, हर जगह से के हट गया, बस अब सिंप्लीफिकेशन की देरी है और फिर कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो टी ऑफ एन इज वन इफ एन इक्वल्स टू वन, मतलब टी ऑफ वन यहां से वन दिया हुआ है, दैट मीन्स ये वाला टर्म तो वन हो गया। सेकेंड टर्म सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहा होगा क्योंकि एन एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो टू। थर्ड टर्म भी सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहा होगा, एन एन कैंसिल थ्री, आगे आएगा फोर, आगे आएगा फाइव, सो ऑन, ठीक है, सो ऑन अप टिल एन, एन माइनस वन उससे पिछला टर्म रहा होगा। ये तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला है जो आपने दसवीं क्लास में पढ़ा था, फिर इलेवेंथ में भी पढ़ा था। सम ऑफ एन टर्म्स का क्या होता है रिजल्ट, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, बस लिख देना है उसको और कुछ नहीं करना। तो टी एन हो गया एन एन प्लस वन बाय टू। अब क्या करना है, अब तो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की तरह सोचना होगा हमें, तो उसके लिए ये तो निकल गया, अब इस पे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे और लोअर पावर्स को और कोफिशेंट को, हायर पावर में भी कोफिशेंट को नेगलेक्ट मारेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो टी एन बराबर होगा एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू, ऐसा ही होगा ना, एन इंटू एन बाई टू प्लस एन इंटू वन बाई टू।
इसको हटा दो क्योंकि ये लोअर पावर है, हायर पावर आपको दिख चुका होगा एन स्क्वायर। अच्छा, हायर पावर एन स्क्वायर में भी क्या है, वहीं पे देख लेते हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं कि इसका भी कोफिशियंट अगर ध्यान से देखें आप तो हाफ है। तो मैंने बोला कि एक तो लोअर पावर्स को हटाओ और फिर कोफिशियंट को भी हटा दो, इसको भी हटाओ, ठीक है, बचा क्या एन स्क्वायर। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिगो नोटेशन में, ठीक है, हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, करना क्या है उसके लिए लोअर टर्म्स को डिस्कार्ड करो, हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म आया उसमें भी कोफिशियंट को डिस्कार्ड करो, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गया। और ये भी तो आपने 11th में पढ़ा था, मेन था कि आपको पैटर्न फाइंड करना आना चाहिए। तो दो तीन टर्म लिखने के बाद पता चल गया क्या पैटर्न है, एन तक इंड हो रहा था तो हमने जनरल टर्म लिखा, जो के वाला होता है वो जनरल टर्म। फिर अब जनरल टर्म में के को हटाना होता है हमें, उसके लिए ये वाला जो है एन को वन रखने पे आउटपुट वन आएगा, ये चीज हमारे पास टर्मिनेशन के लिए कंडीशन गिवन ही होती है, वो देंगे क्वेश्चन में, तो उसका आप यूज कर लो, के हट जाएगा, ठीक है। एन माइनस के को अगर वन लोगे तो हर जगह जहां जहां के दिखे वहां वहां एन माइनस वन रख दो, तो वहां वहां के तो हट गया, फर्स्ट टर्म में भी ये वन आ गया, टी ऑफ वन वन पता ही है। बस उसके बाद क्या था, और अच्छे नज़र से देखा तो एन तो कैंसिल ही हो रहे थे हर जगह, पहला टर्म वन, फिर टू, फिर थ्री, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, बचपन में पढ़ा था एन एन प्लस वन बाई टू, बस उसके बाद बता ही दिया कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते। तो एक तरीके से फिर से एक आसान क्वेश्चन हमें मिला, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहे, बाकी मेथड्स भी हम देखेंगे बाद में, तो पहले एक मेथड पे फोकस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस रिकरेंस रिलेशन को हमने सॉल्व किया, आई होप आपको मजा आया ही होगा इसमें। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हम रखेंगे आपको प्लेलिस्ट में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आशा करता हूँ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।